कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन मैनुअल हैंडलिंग। आज हम बात करने वाले हैं मैनुअल हैंडलिंग से होने वाले एक्सीडेंट के कॉजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है इम्प्रॉपर लिफ्टिंग। किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए आपको उसे प्रॉपर फॉर्म में और गुड पोजीशन में रहकर लिफ्ट करना चाहिए, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो तो इससे मटेरियल डैमेज होने का खतरा होता है और आपको इससे इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कैरिंग टू हैवी लोड। किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या आप उस मटेरियल को उठा सकते हैं या नहीं, और अगर मटेरियल ज़्यादा हैवी हो तो उसे बिल्कुल भी लिफ्ट करने की कोशिश ना करें, इससे आपको इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर ग्रिपिंग। किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने से पहले उस पर अपनी अच्छी ग्रिप बना लें। अच्छी पकड़ बनाने के बाद ही मटेरियल को लिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर ग्रिपिंग की वजह से इंजरी और मटेरियल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है फेल्योर टू यूज़ PPE। किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने से पहले प्रॉपर PPE को वेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर PPE ना होने की वजह से एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं और आपको प्रॉपर PPE ना वेयर करने की वजह से इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग ग्रीसी ऑयली एंड इररेगुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि वो ग्रीसी या ऑयली या फिर कोई इररेगुलर ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मटेरियल आपके हाथ से छूट सकता है, क्योंकि इस पर ग्रिप बनाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मटेरियल डैमेज हो सकता है या फिर आपको इंजरी भी हो सकती है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।